नमस्कार, आप देख रहे हैं तालका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञान चंद्र। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से आ रही है, जहां पर रानीपुर मऊ उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार ब्लॉक रानीपुर में जनता इंटर कॉलेज में आज प्रेरणा ज्ञानोत्सव संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक श्रीराम सोनकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। सरस्वती वंदना कंपोजिट विद्यालय कर्मी में बच्चियों द्वारा किया गया तथा स्वागत गीत उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलसेपुर की बच्चियों ने प्रस्तुत किया। खंड शिक्षा अधिकारी संजीव सिंह ने मानव संपदा पर प्रस्तुतिकरण दिया और कहा कि हम सभी मिलकर प्रयास करें तो प्रेरक जिला बनाने में शिक्षा क्षेत्र रानीपुर अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रेरणा ज्ञानोत्सव के माध्यम से सभी को जागरूक बनाएंगे। इसके बाद ऑपरेशन कायाकल्प, मिशन प्रेरणा, कला कक्षा रूपांतरण, लिंग संवेदीकरण, दीक्षा ऐप, रीड एलांग, शारदा एवं समर्थ कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण शिक्षकों द्वारा किया गया। साथ ही रानीपुर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर के माध्यम से पर्दे पर दिखाया गया। प्रेरणा ज्ञानोत्सव संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक श्रीराम सोनकर ने कहा कि मिशन प्रेरणा और ऑपरेशन कायाकल्प के कायाकल्प से लोगों को जोड़ने और सभी को जागरूक करने के लिए प्रेरणा ज्ञानोत्सव मनाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रसिद्ध विद्यालयों में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। उक्त अवसर पर कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में हुए अच्छे कार्यों के लिए ग्राम प्रधान तेंदुली सुशीला यादव, ग्राम प्रधान बड़ा गांव रामगोपाल यादव, ग्राम प्रधान सचुई गोरख यादव, ग्राम प्रधान सरोदा नीलम सिंह, ग्राम प्रधान रानीपुर गिरजा सिंह, ग्राम प्रधान गोकुलपुरा ब्रजेश सिंह, ग्राम प्रधान बुझारत राम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को SMC अध्यक्ष और अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। ब्लॉक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया। अंत में खंड शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। उक्त अवसर पर खंड विकास अधिकारी ARP समेत सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये बताना भूलिएगा नहीं और देखते रहिए हमारा चैनल तहलका.in। इस तरह से हमारे गुरु जी भी ये बहुत आपका बड़प्पन है। ये शुरू से ही चाहे छोटा बच्चा रहा हो चाहे हम लोगों की बात रही हो, हमारे गुरु जी सभी का आपने सम्मान किया है और आदरणीय प्रधान जी का सम्मान करते हुए साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और साथ ही साथ खेल के विश्व पितामह और इस तरह से जोरदार तालियां होनी चाहिए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय एवं गुरु जी के कर्तव्य द्वारा यह प्रशस्ति पत्र आदरणीय सुशीला यादव जी तेंदुली से आपका सम्मान करते हुए यह प्रशस्ति पत्र पूरे विश्व सब कुछ ऑनलाइन करने की व्यवस्था में चल रहे हैं। इसी के अंतर्गत मानव संपदा पोर्टल पर सभी अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और अनुचरों का डाटा पंजीकृत हो चुका है। मानव संपदा पोर्टल पर कुल अध्यापकों की संख्या रानीपुर में 606 है, शिक्षा मित्रों की संख्या 179 है, अनुदेशकों की संख्या 46 है और अनुचरों की संख्या 3 है। मानव संपदा पर कुल 840 कर्मचारियों का संपूर्ण विवरण पंजीकृत हो चुका है। मानव संपदा पोर्टल पर समस्त कर्मचारियों का पर्सनल डिटेल है, उनके पता का विवरण है, सभी के शैक्षिक योग्यता का विवरण है, नामनीस का विवरण है, सेवा पुस्तिका ऑनलाइन है, अवकाश का विवरण भी संलग्न है। मानव संपदा पर समस्त कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन अवकाश लिया जा रहा है, जिसको हमारे स्तर से अग्रसारित किया जाता है और अब अवकाश लेने में कोई समस्या नहीं आती है। सब कुछ हर स्तर से देखा जा सकता है। शिक्षा क्षेत्र रानीपुर में किस टीचर ने कब अवकाश लिया है, आज लिया है, कल लिया है, उसकी सूचना कोई चाहेगा तो वो लखनऊ में बैठकर भी ले सकता है। मानव संपदा पोर्टल का जो सबसे अच्छा
उपयोग है वो ये है कि कर्मचारियों के आश्रितों का उनकी मृत्यु की दशा में पहले से नॉमिनी निर्धारित रहते हैं तो कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता और अन्य कोई समस्याएं जो कभी कभी सुनाई देती हैं कि अचानक कोई और नाम बन गया नॉमिनी या कोई अन्य व्यक्ति उनका वारिस हो गया, इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अच्छा अवसर मिला हमें आप लोगों के साथ संवाद करने का। हम सभी मंच पर एक हाल में उपस्थित हैं। आप सभी टीएलएम मेले के रूप में, टीएलएम स्टॉल के रूप में दिख रहा है। आप सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद और साधुवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो झांकी हमें जहां दिखा रहे हैं टीएलएम की, ये केवल टीएलएम मेला ही नहीं है, कई स्टॉलों पर आकलन प्रपत्र भी लगे हुए हैं, आकलन सीट भी बनी हुई है और टीचिंग प्लान भी बने हुए हैं, जो ये बता रहा है कि आगे का जो 100 दिन का कार्यक्रम है आपको, जिसमें समृद्ध हस्त पुस्तिका के आधार पर आपको शिक्षण कार्य करना है, उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं और